नमस्कार साथियों मैं राम कुमार विष्णु स्वागत करता हूं आपका गुरु नरसिंह अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दस का चालीस सेशन में स्वागत है दस का चालीस सेशन में स्वागत है जल्दी से लाइव आ जाएं शेयर कर दें सभी का स्वागत है सावी सिंह जगसीन एम्स दिल्ली महेंद्र कुमार रेगर जी का अनिल पलसानिया जी का अंजलि खन्ना कुलदीप सिंह बजरंग जलप क्या बात है सभी का अनिता जी का भूपेंद्र चौधरी दीक्षा भट्स सभी का स्वागत है ज्योति तन्नन मोहन सिंह जी वेरी गुड वेरी गुड अरुण सरोज अरुण सरोज बेटा वॉइस क्लियर हो गई है अहमदाबाद नर्सिंग अकेडमी का भी स्वागत है क्या बात है प्रवीण डियर अब आ रही है वॉइस से चेक कीजिएगा वेरी गुड मनोज मनोज क्या बात है सभी का स्वागत है सभी का स्वागत है वेरी गुड वेरी गुड सभी का स्वागत है आप सभी का स्वागत है सभी का स्वागत है चलिए आज

जबरदस्त जबरदस्त स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग नमस्ते भैया नमस्ते डियर नमस्ते अक्की वेरी गुड चलिए चलिए डियर चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं दस का चालीस सेशन दस का चालीस सेशन स्टार्ट करते हैं चलिएगा नोर सेट का सभी को पता है नोर सेठ दो का कोर्स लॉन्च कर दिया है गुरु नरसिंह सिंह अकेडमी में और ऑफर के साथ अवेलेबल है याद रखेगा ऑफर के साथ अवेलेबल है वॉइस अब तो वॉइस आ रही है डियर अब वो इसका कोई इश्यू नहीं है नेट नहीं चल रहा कुलदीप सिंह जी नेट में नहीं चला सकता क्लियर है चलिए स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट है।, बिल्कुल स्टार्ट है नमस्ते 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 जयपुर का मौसम अहमदाबाद नर्सिंग एकेडमी से क्वेश्चन आया है जयपुर का मौसम कैसा है एकदम धासु है बाहर भी धासु है और यहां लेक्चर में भी धासु है क्या बात है भैया जी चलिए स्टार्ट करते हैं एम सेशन टेन याद रखेगा पिछले नौ दिनों में पिछले नौ दिनों के अंदर हम पच्चीस के लगभग क्लासेस रिकॉर्ड करके ऐप पे आज डाल चुके हैं आपके सामने और अनगिनत क्लासेस मोर देन सेवन हंड्रेड लाइव, से लाइव सेशन होने वाले हैं सात सौ से ज्यादा लाइव सेशन होने वाले हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं डेली दो बार आएंगे डेली दो बार आ रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में उस सेशन को बढ़ा के तीन बार भी कर दिया जाए चलिए तैयार हो जाइए भैया सीट बेल्ट बांध लीजिएगा अपनी सीट बेल्ट की पेटियां बांध लीजिएगा हियर वी गो योर फर्स्ट क्वेश्चन योर फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी गो चलिए पहला क्वेश्चन क्वेश्चन रीड आउट कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है आपका ए क्लाइंट हु हैज अंडरगोन मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट एक क्लाइंट का मिट्रल वॉल रिप्लेस किया गया है एंड हैज परसिस्टेंट ब्लीडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल इंसिजन एक्सटर्नल का यानी ओपन सर्जरी की गई है ओपन हार्ट सर्जरी हुई है इंसिजन लगा के और देन आफ्टर वॉल रिप्लेस किया गया अब जहां इंसिजन था वहां से लगातार ब्लीडिंग हो रही है परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑपरेशन के बाद में द नर्स शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स को इस केस में क्या करना चाहिए साटा क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन है साटा क्वेश्चन है याद रखिएगा चलिए फर्स्ट एडमिनिस्टर वारफेरिन पहला ऑप्शन है कि इस केस में वारफेरिन एडमिनिस्टर कीजिएगा चलिए बिल्कुल मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा सेकेंड चेक द पोस्ट ऑपरेटिव प्लेटलेट लेवल कि इस पेशेंट के ये वाइटर्स चेक थर्ड एबिलिटी कंफर्म अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स ब्लड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कंफर्म कीजिएगा एंड फोर्थ मॉनिटर द मीडिया स्टीनल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज जो लगी हुई है उनको चेक कीजिएगा एंड फिफ्थ वन इज स्टार्ट डोपामिन ड्रिप फॉर सिस्टोलिक बीपी लेस देन हंड्रेड अगर इस पेशेंट में हंड्रेड से कम बीपी चली जाती है तो आपको क्या करना है, चेक करना है. क्या बात है, है, है से। जबरदस्त क्वेश्चन है याद रखेगा बिल्कुल बिल्कुल नमन प्रणाम साह जा जी लेट नहीं आइएगा फटाफट जवाब दीजिएगा कि एक पेशेंट है जिसका ओपन हार्ट सर्जरी की, की गई है हार्ट मिट्रल वॉल रिप्लेस किया गया है

जय माता जी की वेरी गुड वेरी गुड क्यूट आत्मा की तरफ से ए पूनम की तरफ से ए डी शाबास पूनम वेरी गुड वेरी गुड चलिए चलिए शाबाश ए डी ए डी बी सी डी अमृता यादव बी सी डी भैया जी बी और डी में टक्कर लग रही है बी डी ई e, भी लेके आए हैं परवीन कुछ नया करना चाह रहे हैं ई e, डे लेके आए हैं परवीन जी थोड़ा गौर फरमाइएगा डोपामीन हार्ट रेट थोड़ा बछीड़ खाइएगा चलिए शाबाश भैया शाबाश वेरी गुड वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक साथ कितने सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला है वार पेरिन के बारे में इसके बारे में इसके बारे में फलाना ढीगड़ा पूछड़ा सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन होने वाला है समझने वाले क्या बात है बीसीडी मैक्सिमम लोग बीसीडी पे फोकस कर रहे हैं बी आ आगे हैं राजेंद्र भाटी बी पे आए हैं वेरी गुड विशाल सेनी ने A, B, C, D, इस बार लंबा हाथ मार लिया विशाल सेनी ने थोड़ा बी सी डी ए बी सी डी को इनवोट कर लिया वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है भैया शाबाश सारस्वत जी की तरफ से बी सी डी आया सारस्वत राजपूत की तरफ से अरे वाह अरुण सरोज बी डी ओके ओके शाबाश फक्र है भैया फक्र है नेट कम चल रहा है बहुतों का लेकिन फिर भी याद रखिएगा कई लोग जुड़ नहीं पाए लेकिन जितने भी जुड़ रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ में जवाब दे रहे हैं याद रखिएगा जो लोग नहीं जुड़े हैं उनकी कमी हमें पूरी करनी है एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरा ऐसे नहीं कहती कि वो खराब होगी मैं क्या करूं एक किडनी अगर फेल होगी तो दूसरा उसका काम हथियार लेती है आपके साथ ही कुछ ड्यू टू तो बैड वेदर जुड़ नहीं पा रहे हैं लाइव क्लासेज में तो उनकी कमी आपको पूरी करनी है याद रखिएगा उनकी कमी आपको पूरी करनी है बीसीडी बी डीई शाबास सभी ने सभी ने अपने कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है अपना नॉलेज उड़ेल दिया है चलिए चलिए चेक करके देखते हैं हियर वी गो सबसे पहला क्या कहा जा रहा है सबसे पहला कहा जा रहा है कि पेशेंट का मिट्रल वॉल रिप्लेस हुआ है चलिए बताइए मिट्रल वॉल कैसा वॉल होता है ट्राइक स्पीड या बाइक स्पीड योर आंसर इज बाइक स्पीड कौन सी साइड में होता है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में लेफ्ट साइडेड हर्ट में होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल होता है थर्ट के एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है थर्ट वाल को रिप्लेस कर दिया गया अच्छी बात है रिप्लेस कर दिया गया है और रिप्लेस करने के बाद ओपन सर्जरी हुई है जो स्टर्नम पे इंजेक्शन लगाया गया है इंसिजन लगाया गया है वहां से लगातार ब्लीडिंग हो रही है लगातार खून बह रहा है याद रखेगा ब्लीडिंग हो रही है बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है अल्टीमेट देखिएगा कि परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है अब ब्लीडिंग कहीं से भी हुई ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग है यानी ब्लीडिंग में जो चीजें करनी चाहिए वो तो आप करेंगे करेंगे पहला क्या कह रहा है एडमिनिस्टर वारफेरिन बेटा जी एंटी को वार फेरिन एटी कोगुलेंट होती है, है। यानी ब्लीडिंग को स्टॉप करती है या ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ा देती है वारफेरिन ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ा देती है तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको वारफेरिन नहीं देनी वारफेरिन नहीं देनी याद रखेगा। वारफेरिन किस नाम से अवेलेबल है मार्केट में मार्केट में एसिट्रोम के नाम से अवेलेबल होती है याद रखेगा। अगर किसी को वाल लगाए गए हैं अगर किसी को वाल लगाए गए हैं फिर वारफेरिन देंगे तो याद रखिएगा आपको आईएनआर किस रेंज में मेंटेन में करनी पड़ेगी 2 टू 3 की रेंज में मेंटेन करनी पड़ेगी ये क्वेश्चन है एग्जाम का कि अगर वाल रिप्लेस कर दिए गए हैं और उसके बाद वार फेरिन दी जा रही है तो वार ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है यह पता लगाने के लिए आई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आई एन आर की रेंज क्या होनी चाहिए आपका जवाब होगा दो से तीन आपका जवाब होगा दो से तीन होनी चाहिए आपका जवाब होगा दो से तीन होनी चाहिए चलिए अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन क्या करा है ये तो नहीं करेंगे ये तो खराब हो गया डस्टबिन में फेंक दो

चलिए शाबाश प्लेटलेट्स लेवल चेक करेंगे कि प्लेटलेट्स की कमी से प्लेटलेट की कमी होना क्या कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कई थ्रोम्बोसाइटोपीनिया की वजह से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है बिल्कुल सही है कि बी तो चेक करना ही करना है कोई भी सर्जरी हो जाए याद रखना बी पे तो फोकस करना ही करना है अगला अगर बाई चांस ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो इमीडिएटली आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा या ब्लड का कोई कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा राइट आंसर सी सी भी करना पड़ेगा आपको अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मौजूद करनी पड़ेगी ताकि इमरजेंसी में इन्फ्यूज किया जा सके अगला मॉनिटर द मीडिया स्टिग्नल चेस्ट ट्यूब उसने लंग्स वाली चेस्ट ट्यूब नहीं लगाई मीडिया स्टिग्नल बिल्कुल सही लगाएंगे अगर ये पेशेंट है मान लीजिए और ये है डाइफ्राम ये डाइफ्राम डाइफ्राम में दो डोम होते हैं याद रखेगा में दो डोम होते हैं राइट राइटीडाइफ्राम है लेफ्ट में दो डोम होते हैं बीच में डाइफ्राम का बीच वाला हिस्सा बना होता है टेंडन का किसका बना होता है बेटा जी टेंडन का बना होता है बाकी हिस्सा मसल का बना होता है और इस टेंडन वाले हिस्से पे कौन बैठा रहता है हार्ट बैठा रहता है हार्ट बिल्कुल सेंटर में टेंडन के ऊपर बैठा रहता है याद रखेगा यहाँ पे लंग्स और यहाँ पे लंग्स दो लंग्स के बीच के एरिया को किस नाम से जाना जाता है आपका जवाब होगा मीडिया स्टीनम लंग्स के स्पेस को दो लंग्स के बीच की कैविटी को को स्पेस इस खाली जगह को मीडिया हैं तो जब हार्ट की सर्जरी हुई तो जो ट्यूब लगाएंगे वो कहां लगाएंगे मीडिया स्टीनम के थ्रू ही ट्यूब लगाएंगे बिल्कुल सही है मीडिया स्टीनम ट्यूब को चेक कीजिएगा बी सही हो गया सी सही हो गया डी सही हो गया डोपामीन दी जा रही है जब हार्ट रेट कम है गलत है भैया हार्ट रेट कम होने ब्रेडी कार्डिया होने पे एट्रोपिन दी जाती है कार्डिया होने पे एट्रोपिन दी जाती है याद रखेगा डोपामीन नहीं दी जाती डोपामीन हार्ट रेट को और कम कर देगी डोपामीन हार्ट रेट को और कम कर देगी ब्लैक मार्कर सही रहेगा चलिए ब्लैक मार्कर ले लिया मैंने भैया जी डोपामीन हार्ट रेट को कम कर देगी डोपामीन नहीं देंगे एट्रोपिन होता तो सही होता राइट आंसर इज बी सी डी शाबाश याद रखिएगा भैया जी तीन बार सैल्यूट वन टू थ्री जिन्होंने भी सही दाव दिया उन्हें जिन्होंने भी सही दिया उन्हें तीन बार सल्यूट दे दिया गया है तीन बार सैल्यूट दे दिया गया है क्या बात है प्राउड ऑफ यू प्राउड ऑफ यू वेरी गुड वेरी गुड चलिए अगला जवाब दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा तैयार हो जाइए वापिस अपनी सीट बेल्ट को टाइट कर लीजिएगा सांसों को रोक लीजिएगा हियर वी को हियर वी गो योर सेकेंड क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लग रहा है इसको भी सर्दी लग रही है चलिए कोई नहीं कोई नहीं इसको बाद में कर लेंगे हम पहले तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दूसरा पेंडिंग रहा दूसरा पेंडिंग रहा तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है थैंक यू थैंक यू जिनका गलत हो गया अब लाइफ में गलत नहीं होगा कितने कंसेप्ट दिख लिया आपने कि भैया सर्जरी के बाद क्या क्या चीजें हैं ब्लड वैल्यू जो चेक करते हैं मीडियास्टीनम क्या है मीडियस्टीनल ट्यूब क्या है सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे याद रखिएगा बिल्कुल 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 फटाफट जवाब दीजिएगा इधर देखिएगा इधर देखिएगा नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट अस्तमा एक क्लाइंट है जिसे अस्थमा है अस्थमा से सफर कर रहा है क्लाइंट दर्स शुड कंडक्ट ए फोकसमेंट टू डिटेक्ट विच ऑफ दर्स को कौन से असेसमेंट को फॉलो करना चाहिए किस चीज को जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहिए ऑप्शन ए इंक्रीज फोर्स एक्सपाइरेटरी वॉल्यूम इंक्रीज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन बी नॉर्मल ब्रेथ साउंड की नॉर्मल ब्रेथ साउंड का पता लगाना चाहिए इंस्पायरेटरी एंड वीजिंग एक्सपायरेटरीटरी और एक्सपायरेटरी का पता लगाना चाहिए एंड मॉर्निंग हेडेक की मॉर्निंग हेडेक का ध्यान रखना चाहिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट है अस्थमा का उसमें जो अस्थमा के सिम्टम है वो तो आएंगे ही आएंगे उसको कहीं कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो जाए कोई इसलिए कौन से चीज पे उसको फोकस करना चाहिए यह कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन का जल्दी से जल्दी पता लगाने के लिए कौन से सिम्टम पे फोकस करना चाहिए अब जवाब दीजिएगा क्वेश्चन इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन कहना चाह रहा है सी आया है सी भी गया है की है आंसर सी 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 आंसर आ रहा है ममता रानी वी वी ऑप्शन ही नहीं है डियर जवाब दीजिएगा फटाफट कि एक अस्थमा का पेशेंट है और अस्थमा का पेशेंट को किस चीज को जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो ऑप्शन ए इंक्रीज्ड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम नॉर्मल ब्रेथ साउंड इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी एंड फटाफट बताइए कौन सी चीज पे खास फोकस करना चाहिए कुलदीप सिंह जी का ए आया है ए आया है वेरी गुड ए भी है सी भी है ए और सी भैया बचीट बोल गया क्वेश्चन का ए और सी में हो गया है दंगल इट इज ए दंगल क्वेश्चन क्या बात है दंगल क्वेश्चन हो गया है ए और सी में बराबर टक्कर चल रही है कभी ए ऊपर कभी सी ऊपर वेरी गुड मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं ए और सी शबास सी भैया बी और डी वाले मत आ जाना फालतू में मर मरा जाएंगे पिस जाएंगे बी और डी पतले हो जाएंगे बी और डी को बीच में मत गुजेर देना नहीं तो पतले हो जाएंगे क्या बात है ए और सी ए और सी शाबाश शाबाश वेरी गुड क्या बात है डी भी आ गया है जितेंद्र सिंह राजपूत जी की तरफ से डी भी आ गया है वेरी गुड चलिए कोई तो है जो डी बोल रहा है कोई तो है जिसने डी बोला कोई तो है जिसने डी बोला ओके डियर चलिए चलिए शाबाश होल्ड इट होल्ड इट होल्ड कर दें अपनी सांसों को थोड़ा विराम दे दें थोड़ी गहरी सांस ले लें जवाब आ रहा है आपके सामने कि कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी चीज को फॉलो करेंगे पहले ऑप्शन को चेक करता हूं पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कि इंक्रीज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को चेक करिए देखिए नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली अस्थमा के पेशेंट में बोलता हूं अस्थमा के केस में याद रखेगा इंस्पिरेशन से ज्यादा एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है अस्थमा एक एक्सपायरेटरी डिफिकल्टी प्रॉब्लम है इंस्पिरेशन से ज्यादा सांस को बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती है एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है इसलिए मजबूरी में पेशेंट को कैसा एक्सपायरेशन करना पड़ता है फोर्स एक्सपायरेशन करना पड़ता है अस्थमा का पेशेंट कैसा एक्सपायरेशन करता गया है याद रखेगा जोर लगा के हवा बाहर निकालने की कोशिश करता है फोर्स एक्सपायरेशन करता है लेकिन तो भी पूरी हवा बाहर नहीं निकाल पाता मान लीजिए हमने कितनी एमएल एयर अंदर ली टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 एमएल तो वापस बाहर भी कितनी निकालेंगे 500 एमएल लेकिन अस्थमा का पेशेंट अगर 500 एमएल एयर अंदर लेता है तो जोर लगा के भी मान लीजिए इमेजिन कीजिए 400 एमएल ही बाहर निकाल पाएगा यानी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम नॉर्मल होगा या डिक्रीज होगा डिक्रीज हो जाएगा अस्थमा के केस में

ब्रेथ साउंड के बारे में बता दूं याद रखेगा ब्रेथ साउंड का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा ब्रेथ साउंड तीन प्रकार की होती है पहली ब्रेथ साउंड होती है नॉर्मल दूसरी ब्रेथ साउंड होती है एबनॉर्मल और तीसरी ब्रेथ साउंड होती है एडवेंटिशियस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेथ साउंड नॉर्मल ब्रेथ साउंड एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड एंड एंड एडवेंटीशियस ब्रेथ साउंड चलिए आगे देखते हैं बेटा जी क्या कह रहा है एग्जामिनर कह रहा है नॉर्मल कौन कौन सी होती है याद रखेगा अगर आप स्टेटोस्कोप को मेरे ट्रे क्या पे रखेंगे अगर स्टेटोस्कोप को ट्रे क्या पे रखेंगे तो आपको जो साउंड सुनाई देगी उसे कहा जाएगा ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड अगर आप ट्रे क्या पे रखेंगे तो उसे कहा जाएगा ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड याद रखेगा अगर आप ब्रोंकाई पे रखेंगे तो उसे कहा जाएगा ब्रोंको वैसिकुलर उसे कहा जाएगा ब्रोंको वैसिकुलर याद रखेगा

एबनॉर्मल क्या होती है ट्रे, आप देखिए बच्चों का का दूर करूं क्रेकल्स ये abnormal नहीं कहलाती मतलब क्या है कि के ऊपर की जगह मिलने लग जाए यहां पे कोई और मिलने लग जाए यहां मिलने लग जाए ब्रोंकियल यहां मिलने, मिलने जगह अगर अपनी जगह अपनी जगह की जगह दूसरे की जगह पे ये साउंड सुनने को मिल जाती है तो इनको क्या कहा जाता है एबनॉर्मल याद रखेगा एल्य में कौन सी मिलनी चाहिए थी नेकिल, निमोनिया न्यूमोनिया के केस में ब्रोंकियल सुनने को मिल जाती है निमोनिया के के में, बर्थ कभी और क्वेश्चन डालकर डिस्कस करेंगे तो याद रखेगा अगर उस पेशेंट की ब्रोथ साउंड नॉर्मल आ रही है तो अच्छी बात है इसका मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं हो रहा यह भी आंसर नहीं है यह भी नहीं है याद रखेगा मॉर्निंग हेडेक याद रखेगा कि अस्थमा के पेशेंट में अस्थमा के पेशेंट में होता है एयर का मूवमेंट बहुत कम होगा इसका मतलब बंदे को क्या हो जाएगा हाइपोक्सिया ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी या ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो क्या फील होगा हेडेक याद रखिएगा जब सीवियर अस्थमा होता है अस्थमा की लेटर होती है है तब माथा दुखने लग जाता इंसान माथा पकड़ के यूं घूमता है हेडेक होता है ये है ये नॉर्मल फाइंडिंग याद रखेगा इट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग हाँ आंसर है सी राइट आंसर है सी जिन्होंने भी दिया है उनके लिए मेरी तालियां राइट आंसर सी क्यों है राइट आंसर सी क्यों है वो देख लेते हैं अगर यहां अगर यहां केवल एक्सपायरेटरी वीजिंग होता तो सही था वीजिंग के केस में बारे में बता दू वीजिंग का मतलब है विस्लिंग साउंड सिटी वाली आवाज विस्लिंग साउंड जो सा, सीटी की आवाज आती है नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ साथ उसे विस्लिंग साउंड कहा जाता है याद रखेगा दैट इज नोन एज विस्लिंग साउंड उसे विस्लिंग साउंड कहा जाता है और विस्लिंग साउंड के बारे में एक चीज बताऊं मैं आपको कि नॉर्मली क्या होता है इनिशियली जब अस्थमा का केस है तो इनिशियली एक्सपायरेशन के साथ ही देखने को मिलती है एक्सपायरेशन में केवल सांस लेते समय कोई सीटी नहीं बोलेगी सांस छोड़ते समय यह वाली सीटी सुनाई दे जाएगी याद रखेगा सांस को छोड़ते समय विस्लिंग आ, आती है इंस्पिरेशन में नहीं आती लेटर ऑन जब मामला सीवियर हो जाता है जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो क्या होता है एक्सपायरेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन में भी आती है एक्सपायरेशन के साथ expiration inspiration में भी आती है और आखिरकार जाते जाते हो हो जाएगा respiratory failure, तो याद रखिएगा ही जाएगी अचानक एबसेंट हो जाएगी क्वेश्चन है कि अचानक का क्या बताता है कि रेस्पिरेशन फेलियर हो गया अस्थमा का पेशेंट चला गया है यह कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा क्लियर है बेटा जी इनिशियली एक्सपेरेशन के साथ लेटर ऑन एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन दोनों के साथ साथी को बताता है ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि दोनों समय आ रही है इसका मतलब सीवियर हो गया केस सीवियर हो गया आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए द राइट आंसर इज सी भैया वीजिंग का पूरा बचीड़ बुला दिया है वीजी का पूरा बचीड़ बुला दिया है वेरी गुड ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन भैया इस बार सभी के जवाब चाहिए इस बार मुझे सभी के जवाब चाहिए बिल्कुल ओमिनस साइन है ओमिनस साइन बोलो डेंजर साइन बोलो लार साइन बोलो खतरनाक साइन बोलो ओमिनस का मतलब होता है डेंजरस ओमिनस कोई वर्ड ज्यादा खास नहीं है याद रखना वेरी गुड जिनका भी सही है जिनका भी सही है उनके लिए सल्यूट है कि सर पूरी एक्टिंग के साथ पढ़ाते हैं भैया मेरा मकसद है कि आपके दिमाग में हर चीज छप जाए हर चीज छप जाए और वही कोशिश कर रहा हूं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा चलिए गुरु नर्सिंग अकेडमी जिस हद तक जा सकती है उस हद तक जाएगी लेकिन आपका सिलेक्शन करवाएगी तैयार रहिए सभी के आंसर चाहिए एक कसम है कसम है भैया सभी को अपने फेवरेट की कसम है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यानी जो लोग नहीं चाहते मुझे वो भी जबरदस्ती कम कमेंट करना पड़ेगा उनको भी चलिए जवाब दीजिएगा विच पोजिशन विल बी वुड बी द बेस्ट फॉर द क्लाइंट अंडर मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर मिनिमम प्रोसीजर फॉर हो रहा है तो इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाएगी ऑप्शन ए लिथोटोमी ऑप्शन बी प्रोन ऑप्शन सी और क्या हो गया ऑप्शन सी सुपाइन और ऑप्शन डी नीचेस्ट चार पोजीशन है क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्... क्लियर नहीं दिख रहा अनिल पंत बेटा जी

एम आई पी एच जिसको मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमरोडेक्टोमी कहा जाता है इस केस में पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाएगी D, D, B, B. क्या बात है B और शाबाश बिल्कुल 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 फटाफट बता, बताइएगा फटाफट बताइएगा बता 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 बेटा इधर फोकस कीजिएगा आपस में बातचीत इतना करें आपस में बातचीत न करें वन टू वन मेरे साथ बात करें क्या बात है भैया फटाफट 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 जैकनाइफ देते हैं बिल्कुल बिल्कुल जैकनाइफ जैकनाइफ यहां ऑप्शन ही है बिल्कुल देते तो हैं नो डाउट इट इज ऑफ चलो अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि पोजीशन, कौन सी पोजीशन का है तो भी ऑप्शन चारों यही रहेंगे जवाब दो अब एक बच्चे ने लिखा साहब जैकनाइ पोजिशन देते हैं सही मान लिया जैकनाइ पोजिशन देते हैं जैकनाइ पोजिशन इनमें से कौन सी पोजिशन का मोडिफिकेशन है अब बता दो जेकनाइफ वाले बंदे के लिए आगे वाला इमेज प्रोक्टोस्कोप का था देखते हैं भैया किसका इमेज था वो भी क्वेश्चन पूछ लूंगा चलिए फटाफट बी 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 आया है अमृता यादव ए है जेनो रेक्टल पोजिशन देते हैं भूपेंद्र बेरवा जी जीनो रेक्टल गलत हो गए भूपेंद्र जी आप गलत हो गए भैया जी भूपेंद्र जी गलत हो गए क्या बात है बिल्कुल बिल्कुल बी 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 शाबाश चलिए थमिएगा थामिए अपने सांसों को बिल्कुल अपनी सांसों को विराम दीजिएगा राइट आंसर हियर हियर वी वी गो गो द राइट आंसर इज लिथोटोमी लिथोटोमी द राइट आंसर इज अरे सर हमारा तो बोल गया हमने तो हेमरोडो में कुछ और ही पढ़ा है भैया केवल हेमरोडेक्टोमी की बात नहीं कर रहा हूं कौन सी हेमरोडेक्टोमी की बात कर रहा हूं एम आई पी एच की बात कर रहा हूं चलिए कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं चलिए कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं द द इज मीनोडेक्टोमी मीन रिमूवल ऑफ हेमरोइड्स हेमरोइड्स को रिमूव करना हेमरोइड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है कहलाता है कितने टाइप की होती है तीन टाइप की अगर पेरिनियल एरिया को अगर पेरिनियम को ये एक पेशेंट है और ये उस पेशेंट की एनल ओपनिंग है और इस पेशेंट की इस पेरिनियम में अगर इस पेरिनियम में ओपनिंग करके याद रखेगा यहां से ओपन हेमरोडेक्टोमी की जाती है अगर तो कौन सी पोजीशन देंगे अगर प्रोक्टोस्कोप वगैरह इंसर्ट करके क्लोज पोजीशन में की जाती है तो कौन सी पोजीशन दी जाएगी और लास्ट प्रोसीजर है मिनिमम इन्वेजन बहुत ही कम टिश्यूज को डेमेज करना है एम आई पी एच तीन टाइप की होती है एमराइड ओपन एमरोक्टोमी क्लोज और एम आई पी एच तीनों का जवाब दे रहा हूं अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि याद रखेगा चेस्ट पोजिशन ओपन हेमरोडेक्टोमी में नीचे पोजीशन देते हैं ये वाली पोजीशन दे देते हैं यह पेशेंट का माता हो गया और ये पेशेंट का बटक से दी जाती है और सर्जरी की जाती है याद रखेगा नीचे पोजीशन कौन सी पोजीशन दे दी जाती है नीचे पोजिशन दे दी जाती है क्लोज में भी कौन सी पोजिशन देते हैं नीचे पोजिशन देते हैं लेकिन अपवाद कौन है अपवाद कौन है तो आपका जवाब क्यों होगा हो एम आई पी एच जिसमें चलिए फटाफट फटाफट ओपन एंड क्लोज में याद रखेगा नीचेस देते हैं। जबकि एम आई पी एच में चलिए भैया जी अगर क्वेश्चन समझ में आया है क्वेश्चन समझ में आया नीड योर थम्स अप अगर आपका बहुत प्यारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो थम्स अप चाहिए अच्छा एक अच्छी चीज और बताने वाला हूं हरियप नीड योर थम्स अप मेरी एनर्जी डाउन हो रही है भैया आई एम गोइंग डाउन याद रखिएगा नीचे जा रहा हूँ फ्यूल चाहिए फ्यूल थम्स अप थम्स अप वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल शबाज भैया जी नीचे पोजिशन जेनुनू पेक्टोरल पोजिशन याद रखिएगा जेनु पेक्टोरल पोजिशन वेरी गुड चलिए आपके सामने एक डायग्राम भी आ गया है अब जवाब दीजिएगा वट इज दिस आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये क्या है ऑप्शन ए रफाल ऑप्शन बी ऑप्शन ए रफाल ऑप्शन ए मिग ट्वेंटी नाइन नहीं ऑप्शन गलत दे रहा हूं ठीक है आप अपने हिसाब से चले मैं ऑप्शन नहीं देता बिना ऑप्शन के जवाब देके बताइए ये क्या है द इमेज शोन इन डायग्राम इज कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जवाब चाहिए फटाफट क्वेश्चन पूछा जा चुका है नोर सेट में लास्ट ईयर नोर सेट ट्वेंटी ट्वेंटी नोर से ट्वेंटी ट्वेंटी में हो चुका है जवाब दीजिएगा हरी हरिअप वेटिंग 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 बिल्कुल बचीट बोल गया था मनुना हालिया आंसर आया है प्रोक्टोस्कोपी जया मेल मालिक की तरफ से आया है प्रोक्टोस्कोपी क्या बात है भैया शाबाश वेरी गुड प्रोक्टोस्कोप प्रोक्टोस्कोप सर जी ड्राइंग गजब है बिल्कुल थैंक यू भैया थैंक यू प्रोक्टोस्कोप क्या बात है रफाल सर्कुलर कोई तो आया वेरी गुड पूरा नाम बोलिएगा पूरा बोलिएगा ममता मेहरा सर्कुलर क्या सर्कुलर क्या सर्कुलर स्टेपलर वेरी गुड अमृता यादव प्राउड ऑफ यू ताली बजाने वाला काम कर दिया आपने चलिए बेटा जी ये प्रोक्टोस्कोप नहीं है दिस इज नॉट ए प्रोक्टोस्कोप मैंने कहा कि पेशेंट की एम आई पी एच सर्जरी की एम आई पी एच सर्जरी करने के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट होता है याद रखेगा हमेशा सर्कुलर स्टेपलर सर्कुलर स्टेपलर बोला जाता है इसे दिस इज सर्कुलर स्टेपलर एंड इट इज यूज इट इज यूज फॉर एम आई पी एच एम आई पी एच सर्जरी के दौरान यह पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जा चुका है याद रखेगा नोर सेट ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आगे बढ़ रहे आगे बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिए अगला क्वेश्चन तैयार हो जाइए इस बार भजीड नहीं बोलना चाहिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वेरी गुड क्या बात है विच ऑफ दी चलिए एक क्वेश्चन का जी। यहां लिख दू लिखी दू भैया पहले से लिख रहा हूं फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने पहले से लिख दिया है फिर मत कहना कि बताया नहीं चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी स्टार्ट करते हैं वेरी गुड स्टार्ट करते हैं नेट यहां पे भी लग रहा है थोड़ा लोचा कर रहा है ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है आपके सामने हाई प्रो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे अच्छी डाइट क्या होगी

एंड मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी बचीड चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा क्या होगा लो फाइबर अनिल पंत भैया मैंने पूछा इस क्वेश्चन का ऑप्शन में जवाब दीजिएगा लो, लो है या हाई है या वो बाद की की बात होगी सुमन शर्मा जी तरफ से आया है डी कि लो सोडियम हाई कार्बोहाइड्रेट देते हैं डी आया है सुमन शर्मा जी की तरफ से वेरी गुड आगे जवाब दीजिएगा फटाफट सीमा शो की तरफ से आया है बी सीमा शो की तरफ से आया है बी शब्बास वेरी शा� गुड चलिए चलिए

डी बी डी 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 बी आ रहा है मैक्सिमम का बी आ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गोइंग इन द फेवर ऑफ दी बीबी के फेवर में जा रहे हैं मैक्सिमम बीबी के पक्ष में जा रहे हैं बीबी है डी बी है डी बी है, है रॉकेट रॉकेट बना दीजिएगा बना दीजिएगा रॉकेट भैया चलिए क्या बात है बन गया रॉकेट हाई फैट लो फाइबर हाई फैट लो फाइबर बोला है किसी ने हाई फैट लो फाइबर बोला है कंसेप्ट सारे क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट सारे क्लियर कर दूंगा कि आंसर क्या होगा क्या होगा तो क्यों होगा सारी चीजें क्लियर होने वाली है दिल थाम के बैठिएगा मेहरबानो आपके सामने जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सारे जवाब दो भैया कसम दे रखी है ओके ओके ऑलमोस्ट डन ऑलमोस्ट डन हो गए एंड द राइट आंसर इज याद रखिएगा दिल थाम के बैठिएगा राइट आंसर इज ए सही आंसर ए है सही आंसर ए है क्यों है सर सही आंसर ए उसका भी जवाब सुनिएगा उसका भी क्वेश्चन सुनिएगा इधर देखिएगा बीमारी का नाम इरिटेबल इनफ्लामेटरी बावल डिजीज द डिजीज इज बेटर नोन एज इनफ्लामेटरी बावल डिजीज आईबीडी और आईबीडी में दो बीमारियों को शामिल किया गया है पहला शामिल किया गया है क्रोन्स डिजीज को और दूसरा शामिल किया गया है अल्सरेटिव कोलाइटिस को दो बीमारियों को आईबीडी कहा जाता है क्रोन्स तो डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस और याद रखिएगा दोनों में से ज्यादा कौन सी होती है दोनों में ज्यादा होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मैंने क्वेश्चन बनाया इमेजिन कीजिएगा ये आपकी कोलन है ये आपकी कोलन है और कोलन के अंदर हो गया है इंफ्लामेशन कोलन के अंदर ही हो गया है इनफ्लामेशन कोलन में इनफ्लामेशन हो गया अगर आप अगर आप पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देंगे अगर पेशेंट हाई फाइबर डाइट खाएगा तो याद रखेगा स्टूल ज्यादा बनेगा स्टूल ज्यादा मात्रा में बनेगा तो कोलन के अंदर स्टूल भारी मात्रा में इकट्ठा होगा और इस इनफ्लेम्ड म्यूकोजा को डेमेज करेगा इसलिए जब भी आईबीडी का केस हो यानी अल्सरेटि कोलाइटिस का एक्यूट फेज हो जब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक्यूट फेज़ यानी लक्षण नजर आ रहे हो तो आपको कैसी डाइट देनी चाहिए डियर लो डाइट देनी चाहिए। अरे कैसी डाइट देनी चाहिए लो फाइबरस डाइट देनी चाहिए लेकिन लोचा कहां है क्वेश्चन में क्या पूछा लोचा कहां है याद रखना लोचा यहां है बीच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट उसने आई

दोबारा अटैक को रोकने के लिए पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देनी चाहिए अल्सरेटिव कोलाइटिस के अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट फेज में देते हैं लो फाइबरस लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रिवेंशन की बात की जाए कि अब ठीक है नया अटैक नहीं आना चाहिए तो आपका जवाब होगा हाई फाइबरस याद रखेगा ये कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्लियर कर दिया एक्यूट फेज में लो ताकि स्टूल कम से कम बने और कोलन डेमेज ना हो लेकिन याद रखिएगा अगर आपको प्रिवेंट करना है अब पेशेंट ठीक हो गया कोलन भी ठीक है नया नटैक नहीं आना चाहिए तो पेशेंट को कैसी डाइट देनी पड़ेगी हाई 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 फाइबर और प्रोटीन डाइट देनी पड़ेगी याद रखेगा high protein, high देनी पड़ेगी ये वाली प्रोटीन तो देते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये वाली डाइट देते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव और ये वाली डाइट देते हैं टू प्रिवेंट

और बीमारी को रोकने के लिए हाई फाइबरस ये चीज याद रख लीजिएगा चाहे आईबीडी हो चाहे आईबीएस हो कोई सी भी बीमारी हो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा काम का क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आया है ए ए पेशेंट हैज अंडरगोन सब टोटल थायरेक्टोमी आदि अधूरी ग्लैंड को हटा दिया गया है इज सब्जेक्ट टू कॉम्प्लिकेशन ऐसा लग रहा है कि उसमें सर्जरी के 48 घंटे बाद कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होने वाला है आपको लग रहा है ये पेशेंट में तो कॉम्प्लिकेशन होंगे ही होंगे द नर्स को कौन सा इक्विपमेंट साइड में रखना चाहिए और उस इक्विपमेंट का क्या यूज होगा अगर पेशेंट की सब टोटल ग्लैंड को हटा दिया गया है तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उस कॉम्प्लिकेशन के केस में कौन सी इक्विपमेंट पास में रखना चाहिए और वो इक्विपमेंट क्या काम आएगा तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में समाहित करवा दिए मैंने चलिएगा ऑप्शन ए कह रहा है कि भैया उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है इसलिए टीपीएन टोटल न्यूट्रिशन वाला सामान साथ पास में रखो ऑप्शन बी क्या कह रहा है ऑप्शन बी कह रहा है कि उस पेशेंट के अंदर कट डाउन इन्फ्यूजन को रोकने की तैयारी वाले सामान रखो ऑप्शन सी कह रहा है कि ट्यूब फीडिंग का सामान रखो और ऑप्शन डी कह रहा है कि ट्रेक्योटोमी या ट्रेकियोस्टोमी का सामान पास में रखो

चलिए अब सही कौन देगा उससे ज्यादा मैं चेक करूंगा गलत कौन देगा एक बार सारे उसके लिए भी तालियां बताएंगे जो गलत देता है सबसे पहले गलत कौन देता है सबसे पहले गलत दिया है विशाल सेनी ने सबसे पहले गलत दिया है विशाल सेनी ने बाकी तो भाग गए विशाल सेनी ने गलत दिया है सबसे पहले विशाल सेनी ने गलत आंसर दिया था बाकी तो सभी सही आंसर दे रहे हैं सभी ने डी दिया एक और आ गए एक होगा प्रांजल भारद्वाज प्रांजल भारद्वाज ने मैडम ने भी गलत आंसर टेक दिया है दो जने हैं दो जने हैं भैया जी जिन्होंने गलत आंसर दिया है बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा आप सभी ने द राइट आंसर इज डी बिल्कुल सही कहा राइट आंसर डी है देखिएगा बेटा जी क्या होता है जब भी थारॉयड एक्टोमी करते हैं जब भी थारॉइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं थारॉयड एक्टोमी करते हैं हमेशा याद रखिएगा तो लेरिंजियल नर्व डेमेज हो जाती है हमेशा याद रखिएगा लेरिंजियल नर्व डेमेज हो जाती है जब भी के करते हैं तो किस नर्व के डेमेज होने के सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं तो योर आंसर विल बी लेरिंजियल नर्व और लेरिंजियल नर्व का काम क्या होता है बेटा जी बोलिएगा वॉइस प्रोडक्शन लेरिंजियल नर्व का काम क्या होता है बोलिएगा फटाफट वॉइस प्रोडक्शन लेरिंग्स को मेंटेन करना लेरिंग्स को अपनी जगह पर सही सलामत रखना कौन सी नर्व का काम होता है लेरिंजियल नर्व का एक क्वेश्चन और बता दूं इसलिए जब भी इसलिए जब भी पेशेंट की थाइरोडेक्टोमी करते हैं पेशेंट अनकोशियस रहता है उसके बाद जैसे ही पेशेंट होश में आता है कॉन्शियस आता है तो सबसे पहले पेशेंट को कहते हैं चल गाना गाना के सुना याद रखना जब भी का पेशेंट करने के बाद है जैसे ही वो होश में आएगा तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुझे दर्द हो रहा है क्या तुझे किसकी याद आ रही है क्या क्या इश्यू है नहीं उसे कहेंगे चल बेटा शुरू हो जाओ गाना सुना दे और वो गाना भी सुना देगा कौन सा गाना सुना देगा चलिए मैं सुना के बता देता हूं कौन सा गाना सुना देगा धुआं धुआं हो रहा है सम कहीं तो है आग लगी बिल्कुल बाहर धुआं धुआं हो रहा है और आग लग रही है मेरे मन में आपके मन में कि नोर सेठ तू बच के कहा जाएगा अब हमारी मुट्ठी में है तुझे हम मसल के रख देंगे चलिए भैया जी फटाफट फड़, जब भी थारॉयडोमी का केस होता है तो याद रखिएगा थारॉडक्टोमी के बाद पेशेंट को होश आने के बाद सबसे पहले वोइस चेक करते हैं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है अगर ये डेमेज हो गया अगर लेरिंजियल डर डेमेज होगी तो

कभी भी जरूरत पड़े सकती है बिल्कुल बिल्कुल चलिए भैया जी थैंक यू थैंक यू कह रहे आग लगा दी आग आप लोगों ने लगाई है मैं तो फायर ब्रिगेड वाला हूं आपके मन की आग को कुछ ठंडी करने की कोशिश कर रहा हूं याद रहे हैं। ताबड़ तोड़ आ रहे हैं। आज ताबड़ तोड़ क्वेश्चन आ रहे हैं ताबड़ तोड़ जवाब आ रहे हैं एक और सॉन्ग कभी बाद में याद रखेगा एक और सॉन्ग कभी बाद में वेरी गुड वेरी गुड चलिए चलिए इंडियन आइडल वाले मुझे नहीं बुलाएंगे इतनी अच्छी भी नहीं है फटाफट जवाब दीजिएगा ममता जी थैंक यू नर्स शु टीच द्लाइंट विथ एडिशन डिजीज एक पेशेंट है जो एडिशन डिजीज का है, नर्स को क्या education क्या education है और उसकी स्किन ब्रॉन्ज कलर की हो गई है कांसे के कलर की हो गई है ब्रॉन्ज कलर की हो गई है याद रखेगा ब्रॉन्ज कलर की हो गई है स्किन तो नर्स से पेशेंट पूछ रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ तो नर्स कौन सा जवाब देगी ऐसा क्यों हुआ ऑप्शन ए कि हाइपर सेंसिटिविटी टू सन एक्सपोजर कि सन से बहुत ज्यादा एक्सपोज हुए। आप सन को एक्सपोज हो रहे हैं एडिसन डिजीज में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है फोटोसेंसिटिविटी हो जाती है इसकी वजह से हुआ है वेरी गुड क्या बात है क्या बात है फटाफट चलिएगा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है सेकंड कह रहा है इनक्रीज सीरम बिल्यूबी लेवल कि उस पेशेंट का सीरम बिल्युबी लेवल बढ़ गया इसलिए स्किन का पिगमेंटेशन हो गया है शाबाश वेरी गुड तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ थेरेपी कि एडिशन डिजीज़ के पेशेंट को ग्लूटोकोर्टिकोइड दिए जा रहे हैं और ग्लूटो ग्लूको देने की वजह से ऐसा हुआ है और ऑप्शन डी क्या कह रहा है याद रखेगा कि इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एसीटीएच एसीटीएच के ज्यादा सीक्रेशन की वजह से हुआ है चलिए वेटिंग भैया पहले तो याद रखेगा पहले तो ये तालियां जिन्होंने पिछली बार गलत आंसर दिया था सबसे पहले अभी वो जिंदगी में याद रखेंगे क्लियर है स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा नेटवर्क का इशू है आपके यहां पे चलिए यहां क्लियर आ रही है चलिए शॉर्ट आउट हो जाएगा कोई नहीं वीडियो को दोबारा देखा बी आया आंसर की इंक्रीज ब्लू लेवल की वजह से मोहन सिंह जी ने बोला है अनमोल जी ने भी बी बोला है क्या बात है निशा लकरा ने भी बोला है बी 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 सी बी आ रहा है सी बी आ रहा है अच्छा ज्योति नहीं ज्योति बिल्कुल ज्योति बोला है डियर क्या होता है थोड़ा जिस बेल्ट से बिलोंग करता हूं याद रखियेगा मैं कोई मेट्रोपॉलिटन नहीं हूं याद रखेगा जिन घरों में आप पले बड़े हैं उन्हीं जैसे घरों में मैं पला बड़ा हूं बिल्कुल आप जैसे माहौल का हूं तो कई बार मारवाड़ से बिलोंग करता हूं तो ज्योति की ज्योति निकल जाती है जो भी है याद रखेगा उजाला हो रहा है ज्योति के ज्योति को आशीर्वाद है मेरा याद रखेगा फतेह कर रही है वो बहुत ही जल्दी नोर सेठ को जिंदगी में सच में उनके ज्योति होने वाली है चलिए सी सीबीडी सीबीडी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं मिक्स आंसर आ रहे हैं यानी कन्फ्यूज है एंडोक्राइन सिस्टम से पिकअप किया है एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन पिकअप किया है और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हैं ए बी ए बी सी सी बी आ रहा है वेरी वेरी गुड गुड क्या बात है हाँ, फटाफट जवाब दीजिएगा ममता ममता जी ने जवाब दिया है बी सीरम बिलीरुबिन बढ़ने से ब्रॉन्ज बॉडी हो जाएगी थोड़ा सोचिएगा कि ब्रॉन्ज कलर्ड स्किन सीरम बिलीरुबिन से, बिली से होगी क्या क्या बात है डी बी आया है चलता है सर स्पीड में बिल्कुल थैंक यू बेटा जी थैंक यू वेरी गुड डी बी बी थैंक यू वेरी गुड चलिए डी 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 बी 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 सी 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 ओके, ओके 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 क्या बात है भैया जी फटाफट जवाब दीजिएगा वेरी गुड प्राउड ऑफ यू सभी का स्वागत है याद रखिएगा भैया एक कंजूसी मत क्या करो एक कंजूसी मत क्या करो अगर क्लास अच्छी लगती है तो उसे शेयर करें अगर क्लास अच्छी लगती है तो उसे शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग उस चीज का फायदा उठा सके आपके नॉलेज में किसी भी कोचिंग का हो मेरी कोचिंग से हमारी कोचिंग से एसोसिएटेड रहना आपका जरूरी नहीं है कि आप गुरु नरसिंह से एसोसिएटेड हो बंदा किसी भी कोचिंग का हो कहीं का भी हो हमारा काम है पढ़ाना उनका काम है पढ़ना तो प्लीज डू शेयर चाहे किसी कोचिंग का हो याद रखेगा हर कोचिंग के बच्चे तक न्यूज जानी चाहिए हर कोचिंग के बच्चे को अच्छा मटेरियल मिलना चाहिए अच्छी चीज मिलनी चाहिए शब्बास डी 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 सी ओके ओके, ओके थम जाइए क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जो एडिसन डिजीज से सफर कर रहा है बिल्कुल सही है एडिसन डिजीज से सफर कर रहा है एडिसन डिजीज में ब्रोंज कलर्ड स्किन हो जाती है ब्रोंज कलर की स्किन हो जाती है ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है गौर से देखिएगा दो चीजें होती है पहली चीज तो होती है फोटोसेंसिटिविटी पहली चीज तो पेशेंट को होती है फोटोसेंसिटिविटी जब भी एडिसन डिजीज होगी तो दो चीजें हो जाएगी एक तो ब्रॉन्ज कलर स्किन हो जाएगी और दूसरी क्या होगा जाएगी फोटोसेंसिटिविटी हो जाएगी याद रखेगा याद रखिएगा कलर नहीं होगी डार्क स्किन हो जाएगी एडिसन डिजीज में भी होती है और फोटोसेंसिटिव यानी सनलाइट से एलर्जी होती है और अगर पेशेंट सनलाइट में जाएगा तो स्किन कैसे कलर की हो जाएगी डार्क कलर की हो जाएगी अगर पूछे कि एडिसन डिजीज में डार्क कलर का लॉजिक क्या है तो आपका जवाब होगा साहब फोटोसेंसीटिविटी हो जाना दूसरा दूसरा आया कि डिजीज में ब्रॉन्ज कलर स्किन का कारण क्या देखेगा एडिशन डिजीज एडिशन डिजीज का मतलब है किसकी मात्रा बढ़ जाना एसीटीएच की मात्रा बढ़ जाना एडिनो बढ़ा हार्मोन की मात्रा बढ़ जाना और यह याद रखेगा मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच का बहुत ज्यादा सीक्रेशन करेगा मेलेनोसाइड को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से मेलेनिन बहुत ज्यादा निकलेगा और याद रखेगा किस कलर की स्किन हो जाएगी ब्रोन्ज स्किन हो जाएगी याद रखिएगा ब्रोन्ज स्किन का कारण है एसी का ज्यादा निकलना मेले का ज्यादा निकलना उसकी वजह से ब्रॉन्ज कलर की स्किन हो जाती है सुनिएगा हाइपर हाइपर एक्सपोजर टू सन तो कैसी स्किन होती है डार्क स्किन होती है इंक्रीज सीरम लेवल से क्या होता है जॉइनडिस होता है येलो स्किन होती है येलो स्किन होती है इसकी वजह से येलो स्किन होती है इसकी वजह से डार्क स्किन होती है इसका कोई भी लेना देना ही नहीं है और इसकी वजह से ब्रॉन्ज स्किन होती है तीनों का बारे में बता दिया डार्क स्किन येलो स्किन एंड ब्रॉन्ज कलर्ड स्किन ये लीजिए मैं डायग्राम भी दिखे देता हूं ब्रॉन्ज कलर्ड स्किन कैसी होगी ये देखेगा ये नॉर्मल स्किन थी और ये ब्राउज कलर्ड में कन्वर्ट हो गई है ब्राउज कलर्ड स्किन कन्वर्ट हो गई है अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है याद रखेगा आज का तीसरा लास्ट आज का तीसरा लास्ट क्वेश्चन है फटाफट जवाब दीजिएगा अच्छा खेमचंद जी दिस इज योर सेकंड क्लास स्वागत है भैया जी स्वागत है स्वागत है फटाफट चलिएगा अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्वेश्चन रहा है ड्यूरिंग डायलिसिस क्या बात है रीनल सिस्टम भी लपेट दिया है आज हमने लि... ठीक है राहुल गुप्ता फर्स्ट क्लास है बिल्कुल स्वागत है जो भी पहली बार लाइव आए हैं याद रखिएगा हमारे साथ एसोसिएटेड हुए हैं उन सभी का स्वागत है क्लियर है उन सभी को एक न्यूज देना चाहूंगा आप सभी लोगों को एक बहुत गुड न्यूज और देना चाहूंगा गुरु नरसिंह अकेडमी ने सोच लिया है कि जो हो सकता है सब कुछ किया जाएगा आपके फ्यूचर के लिए इधर देखिएगा आपके सामने एक क्लिप आने वाली है आपके सामने एक छोटी सी इमेज आने वाली है ये देखिएगा आपके सामने एक छोटी सी इमेज आ गई है आप सोच सकते हैं ये क्या है आप सोच सकते हैं क्या है ये गुरु नर्सिंग अकेडमी के नोट्स हैं। ये गुरु नर्सिंग अकेडमी के नोट्स है याद रखेगा गुरु नर्सिंग अकेडमी पहली ऐसी अकेडमी है जो कलर्ड फॉर्मेट में आपको पीडीएफ नोट्स देने जा रही है कलर्ड फॉर्मेट में प्रिंटेड नोट्स देने जा रही है विथ इमेज याद रखिएगा आज से पहले आज से पहले केवल नीट पीजी जो लोग नीट पीजी की तैयारी करते थे उनको ही ऐसे नोट मिलते थे उनकी फीस कितनी होती है उनकी फीस होती है अस्सी अस्सी हजार एक एक लाख फीस होती है उन लोगों को ऐसे नोट्स मिलते हैं और आप ताजुब करेंगे कि गुरु नर्सिंग अकेडमी आपको सेलेक्टेड टॉपिक के फ्री में नोट्स देने वाला है ऐसा है याद रखेगा आपको फ्री में ये नोट्स मिल रहे हैं आप गुरु नर्सिंग एकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल के बॉक्स में जाएं और इन नोट्स को पाएं देखिएगा जिसकी क्लास हुई थी दोपहर की आइडेंटी फॉर्म मॉल आइडेंटी फॉर मोल के देख लीजिएगा विथ इमेज बेस इमेजिन कीजिएगा जब ऐसे डायग्राम सामने होंगे ऐसे नोट्स होंगे तो पढ़ने का खुद ब खुद मन होने लग जाएगा और कोई भी कंसेप्ट अधूरा नहीं रहेगा याद रखेगा इस प्रकार के नोट्स आपको दिए जाएंगे चलिएगा गुरु नरसिंह अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें वहां लॉग इन करें और फ्री स्टडी मटेरियल एक रुपया नहीं लगने वाला फ्री में है बिल्कुल बेटा जी जिनकी फर्स्ट क्लास है अशोक सैनी जी सभी का स्वागत है क्या बात है बिल्कुल बिल्कुल चलिए इधर देखिएगा एक पेशेंट है डायलाइसिस का और उसमें एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया है डिस इक्ुब्रियम सिंड्रोम डिस इक्ुब्रियम सिंड्रोम ड्यूरिंग डायलाइसिस द क्लाइंट हैज डिस इक्म सिम अब नर्स सबसे पहले क्या करेगी पहला इंटरवेंशन पूछ रहा है सबसे पहला इंटरवेंशन नर्स सबसे पहले क्या करेगी कि ऑक्सीजन देगी नेजल हलवा क्वेश्चन हलवा परोस दिया भैया यहां आते आते मैंने हलवा परोस लिया जवाब दीजिएगा फटाफट बोलिएगा आंसर आया पोजीशन चेंज की जाएगी क्लियर है बिल्कुल बिल्कुल फटाफट फटाफट बताइएगा ठीक है जो लोग इवनिंग का सेशन को इस दंग से गया है कि फ्यूचर में आने वाले पांच साल तक भी अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट होगा तो उन्हीं चीजों में से आएगा बाहर नहीं जा सकता चलिएगा फटाफट फटाफट बताइएगा विष्णु शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू आप जवाब दीजिएगा ड्यूरिंग डायलाइसिस डायलाइसिस के दौरान डिसिब्रियम सिंड्रोम पैदा हो गया तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ऑक्सीजन देनी चाहिए डायलाइसिस की रेट स्लो करनी चाहिए पेशेंट को कहना चाहिए कि घबराने की कोई तकलीफ नहीं है बावड़े सब कुछ नॉर्मल है ठीक है, है और पर पर पोजिशन देनी चाहिए सी डी शाबाश क्या बात है ए आ रहा है बी भी आया है रोशन खान की तरफ से भी है शाबाश शाबाश भैया जी शाबाश बिल्कुल थैंक यू भैया जी थैंक यू शाबाश शाबाश वेरी गुड वेरी गुड चलिए 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 बिल्कुल प्रांजल बिल्कुल मिल चुके हैं बेटा जी जब मैं एग्जामिनर था बिल्कुल प्रांजल भारद्वाज से मैं मिल चुका हूं जब मैं एज एग्जामिनर जब मैं एग्जा, एग्जा, एग्जामिनर गया था तब मेरी प्रांजल से मुलाकात हुई थी बिल्कुल शाबाश भैया जी क्या बात है डियर थैंक यू थैंक यू चलिए बी और सी बी और सी में टक्कर चल रही है चलिए बता दू याद रखेगा डिसिक्युबरियम सिंड्रोम क्या होता है पहले ये देखेगा डिसिक्लिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है पहले ये देखिएगा गौर से देखिएगा याद रखिएगा बच्चों कि ये एक पेशेंट है और ये पेशेंट की ब्लड फ्लो है पेशेंट के ब्लड फ्लो को हीमोडाइलाइजर में लिया जाता है पेशेंट के ब्लड फ्लो को हिमोडाइलाइजर में से गुजारा जाता है याद रखेगा पेशेंट की बॉडी का जो भी ब्लड होगा पेशेंट की बॉडी का जो भी ब्लड होगा वो हिमोडाइलाइजर में से जाएगा किस में से जाएगा हिमोडाइलाइजर में से जाएगा चलिए हिमोडाइलाइजर में से गुजार देते हैं पेशेंट की बॉडी का ब्लड हिमोडाइलाइजर से होके जाएगा और फिल्टर होकर वापस पेशेंट की बॉडी में आ जाएगा दिस इज नोन एज कंसेप्टिमोडलाइसिस ये हिमोडायलाइसिस होता है याद रखेगा कि पेशेंट की बॉडी को बॉडी में से लिया हिमोडायलाइजर मशीन में भेजा डायलाइजर से प्योर करने के बाद वापिस बॉडी में इनफ्यूज कर दिया जब ये एक्सचेंज होता है याद रखेगा अगर किसी वजह से यहां किसी वजह से यहां यूरिया का हद से ज्यादा या इलेक्ट्रोलाइट्स का हद से ज्यादा ट्रांसफ्यूजन हो गया इसका मतलब ब्लड में से यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल से भी ज्यादा चले गए जो एक्सेसिव है वो तो गए गए जितना नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट और यूरिया होने चाहिए थे वो भी किस में घुस गए वो भी याद रखे किसमें घुस गए बेटा जी उस हिमोडाइल मशीन में चले गए यानी ब्लड में किसकी कमी होगी यूरिया की ब्लड में किसकी कमी होगी इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी अगर ब्लड में यूरिया की कमी हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी यानी ब्लड की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी और ब्लड की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी यानी कौन सा प्रेशर कम हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है पेशेंट को क्या हो जाएगा एडिमा हो जाएगा खासकर कौन सा एडिमा हो जाएगा सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा हमेशा याद रखेगा पूरा डिसिबिलियम सिंड्रोम हमने चुटकियों में सोल्व करवा दिया है आपके सामने क्या बोला है कि अगर आप हिमोडाइलाइजर मशीन में ब्लड को भेज रहे हैं तो ब्लड में से यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा बाहर चले गए तो अचानक कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा एडिमा हो जाएगा खासकर सेरिबल एडिमा कम हो जाएगा और पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी याद रखेगा पेशेंट में बिल्कुल बिल्कुल भैया जी रूप के स्टूडेंट है, आप और आई वॉज प्रिंसिपल वंस देर वहां प्रिंसिपल था माँ और बहुत फक्र है मुझे मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल था याद रखेगा क्यों था प्रिंसिपल क्योंकि क्यों, क्यों, और प्रिंसिपल रहने का रिजल्ट क्या निकला कि वहां में जब मैंने ज्वाइन किया उससे पहले स्टूडेंट्स का मोर देन 50 परसेंट फोर्टी परसेंट रिजल्ट रहता था बाकी सारे फेल हो जाते थे लेकिन जिस साल में वहां रहा पहले ही साल याद रखिएगा आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं थर्ड ईयर ईयर में में थर्ड फर्स्ट रैंक पूरे राजस्थान में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के एग्जाम में फर्स्ट रैंक थर्ड रैंक और सेवेंथ रैंक एक सात तीन पूरे राजस्थान में रैंक उसी रूप नर्सिंग कॉलेज से आई है याद रखेगा याद रखेगा क्लियर है मेरा रहा है गुरु नर्सिंग अकेडमी का है कि भैया जहां भी जाओ जैसा भी काम करो बिल्कुल भजीड के साथ करो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बिल्कुल सुबह में आपने पुरानी यादें ताजा कर दी थैंक यू थैंक यू बिल्कुल भैया जी बिल्कुल चलिए अगर पेशेंट को डिसम सिंड्रोम है तो एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि पेशेंट को क्या होगा सेरिब्रल एडिमा होगा और पेशेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो तुरंत आपको और ज्यादा सेरिब्रल एडिमा को होने से रोकना चाहिए यानी और ज्यादा यूरिया को जाने से रोकना चाहिए तो हमेशा याद रखिएगा क्या करेंगे डायलाइसिस की स्पीड स्लो कर देंगे डायलाइसिस की स्पीड स्लो कर देंगे अच्छा सिंड्रोम ज्यादा किस में पैदा हो सकता है बूढ़े लोगों में पैदा हो सकता है इसलिए बूढ़े लोगों में तो पहले से ही रेट क्या रखनी चाहिए स्लो रखनी चाहिए बूढ़े लोगों में ओल्ड एज के लोगों में जब भी रिमोटिस करते हैं तो द रेट शुड बी स्लो रेट हमेशा कम रहनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी अगले क्वेश्चन का जवाब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जवाब दीजिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जवाब दीजिएगा क्या कह रहा है ओंकोलॉजी से उठाया गया है ओंकोलॉजी से क्वेश्चन आया जवाब दीजिएगा थैंक यू बेटा जी थैंक यू फटाफट जवाब दीजिएगा द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व ए क्लाइंट विथ इंटरनल द नर्स शुड द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व ए क्लाइंट विथ इंटरनल रेडियम इम्प्लांट एक पेशेंट को रेडियम इंप्लांट किया गया है यानी बॉडी के अंदर ही रेडियम लगा दिया गया है याद रखिएगा दिस टाइप ऑफ थेरेपी थेरेपी इज एज के रेडियम इम्प्लांट कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व बॉडी में पास से देना दूर से नहीं बाहर से इरेडिएट नहीं करना अंदर से ही देना क्या कहलाता है ब्रेक की केयरफुली ऑब्जर्व ए क्लाइंट विद इंटरनल इंप्लांट टिपिकल एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद रेडिएशन थेरेपी टू सर्विक्स माना सर्वाइकल कैंसर है सीए सर्विक्स है पेशेंट को सीए सर्विक्स है और इसलिए ब्रेकी थेरेपी दी जा रही है और सर्विक्स में यूट्रस में रेडियम इंप्लांट कर दिया गया है

हार्ड स्टेशन दिस इज ए हार्ड वर्क स्टेशन हार्ड तोड़ मेहनत की जाती है इस हार्ड तोड़ मेहनत स्टेशन पे आपका स्वागत है ऑप्शन ए अगर किसी पेशेंट को सीए सर्विक्स है और रेडियम इम्प्लांट करा रखा है तो उसको वेजाइन में जबरदस्त इचिंग आएगी खुजली आएगी वो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगी उस पेशेंट को दोपहर को या इवनिंग को हाई ग्रेड का फीवर आएगा और उस पेशेंट को नोजिया होगा और फाउल स्मेलिंग फाउल स्मेल डिस्चार्ज होगा वेजाइना से बदबूदार डिस्चार्ज बाहर आएंगे चलिए जवाब दीजिएगा ए बी सी डी कौन राइट आंसर दे रहा है वेटिंग जवाब दे रहे। वेटिंग वेटिंग भैया भैया प्रेडिक्शन थैंक यू जी चलिए जवाब दीजिएगा वेरी गुड कि कौन राइट आंसर दे रहा है जवाब दीजिएगा सीवियर वेजाइना लिचिंग होगी कंफ्यूजन होगा हाई ग्रेड फीवर होगा या नोजिया होगा और साथ में फाउल स्मेलिंग होगी क्या बात है बिल्कुल टाइगर्स हैं आप सभी टाइगर्स हैं बिल्कुल बिल्कुल भैया चीते हैं मेरे शाबाश क्या बात है थैंक यू चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड डी कुलदीप सिंह जादौन जी का आंसर आया डी वेरी गुड क्या बात है लग रहा है ओंको में ड्यूटी कर रहे हैं ए और डी अनिता जी ने कहा डी कि भैया वेजाइना में इचिंग भी होगी और वेजाइना से डिस्चार्ज भी होंगे शाबाश डी ए आया है ए जहन जोत भट्टी जशन जोत भट्टी जी स्वागत है क्या बात है अल्ट्रा लिजेंट का आंसर आया ए बिल्कुल लिजेंट वाले काम कर रहे हैं अल्ट्रा लिजेंट याद रखिएगा बिल्कुल काम कर रहे हैं शाबाश क्या स्वागत है आप सभी का चलिए एक चीज और बता दूं कि आज मैं आप लोगों की जो लोग खैर गुरु नरसिंह अकेडमी से एसोसिएटेड है उनके लिए भी खुशी की बात है कि आज मैं आपको एक, एक महान शख्सियत से एक जबरदस्त इंसान से रूबरू कराने वाला हूं और जो लोग एसोसिएटेड नहीं है उन लोगों को भी उस महान शख्सियत से उस जबरदस्त पर्सनैलिटी से रूबरू कराने वाला हूं चलिएगा यह क्वेश्चन होने के बाद हम छोटा सा एक सेशन रखेंगे जबरदस्त मुलाकात होगी उनके साथ में चलिए अभी सस्पेंस है हाँ आपका इसमें भी तुक्का लगा सकते हैं कि वो शख्सियत कौन होगी बिल्कुल ये लास्ट में तुक्का लगाइएगा अभी जवाब दीजिएगा वेरी गुड वेरी गुड अरे वाह क्या बात है जियो 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 वेरी गुड काश आप मुझे पहले मिल गए होते काश आप मुझे पहले मिल गए होते तो याद रखेगा मैं जितना उम्र दराज दिखता हूं उतना भी नहीं दिखता अठारह साल का जवान दिख रहा होता क्योंकि जिस प्रकार की आप मेहनत करवा रहे हैं जिस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं तो याद रखिएगा उम्र बढ़ने का सवाल ही नहीं हो पाता मैं अठारह साल का ही रहता अगर आप पहले मिल जाते तो अरे वाह क्या बात है शब्बा शब्बास नवजोत कौर जी आपने लगा दिया अच्छा तुक्का लगा दिया है क्या बात है फटाफट चलिए इधर देखिएगा शाबा शाबास राइट द राइट आंसर इज डी राइट आंसर इज डी याद रखिएगा जब भी ये हो गया यूट्रस दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वेजाइना और ये है यूट्राइन कैविटी दिस इज यूट्राइन कैविटी एंड दिस इज एलोपियन ट्यूब चलिए ये डायग्राम भी बन गया फटाफट हमारा फटा, फटाकर अगर देखिएगा कि रेडियम इम्प्लांट किया गया है रेडियम इम्प्लांट सील्ड अनशील्ड कैसे भी हो सकता है रेडियम इंप्लांट किया गया है पेशेंट सर्वाइकल कैंसर है तो याद रखिएगा सर्वाइकल कैनाल में इंप्लांट किया गया या इंप्लांट किया गया अब ऑब्बियसली बात है कि ये रेडियम क्या करेगा कैंसर सेल को डेस्ट्रॉय करेगा याद रखिएगा इट विल डेस्ट्रॉय कैंसर सेल कैंसर सेल के साथ साथ कौन सी सेल को भी डेस्ट्रॉय कर देगा नॉर्मल सेल को याद रखेगा रेडियम ये नहीं देखता रेडियम ये नहीं देखता कि मेरे सामने कैंसर है या नॉर्मल सेल है रेडियम तो या रेडियो एक्टिव तो जो भी सामने आता है उसका भजीट बुला देता है तो नॉर्मल के साथ साथ एबनॉर्मल के साथ साथ नॉर्मल सेल को भी एबनॉर्मल के साथ साथ नॉर्मल सेल का भी भजीट बुला देगा याद रखेगा एबनॉर्मल सेल साथ नॉर्मल अशोक मीणा जी ने कहा है आलोक सर जी आएंगे बिल्कुल सर से कैंसर सेल और नॉर्मल सेल दोनों का बचीड़ बुला देता है कौन बुला देता है दोनों का बचीड दोनों का बचीड़ बुला देता है रेडियो एक्टिव तत्व तो जब वो सेल्स डैमेज होगी तो वो झड़के गिरेगी या नहीं गिरेगी बिल्कुल गिरेगी एक्सपोलिएशन होगा वो सेल गायब होगी गिरेगी गिरेगी इनके पास कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है यहाँ पे डोडरलिन बैक्टीरिया मौजूद है यहां से म्यूकस के डिस्चार्जेज गिरेंगे यानी म्यूकस भी आएगा और म्यूकस के साथ सेल्स भी आएगी जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा फाउल वेजाइंडा डिस्चार्ज होगा बाहर आने से वेजाइन डिस्चार्ज होगा उसमें सेल इंक्लूड होने से बैक्टीरिया होने से बदबूदार होगा याद रखेगा डिस्चार्ज होगा और कोई भी याद रखेगा कोई भी रेडिएशन थेरेपी चाहे ब्रेकी हो या तेली हो हर रेडिएशन थेरेपी में पेशेंट को क्या होता है नोजिया होता है क्या होता है बेटा जी नोजिया होता है वेरी गुड वेरी गुड चलिए ये क्यों नहीं होगा नहीं रेडिएशन थेरेपी का किसी भी फीवर से लेना देना नहीं है इंफेक्शन को बताता है याद रखेगा ये ब्रेन इंजरी को बताता है और इचिंग नहीं होगी नहीं याद रखिएगा बेटा जी बेचाइना में इचिंग नहीं होगी देर विल नॉट बी एनी सोर्ट ऑफ इचिंग ये इंप्लामेटरी रिएक्शन है कोई इचिंग नहीं होगी केवल डिस्चार्ज डिस्चार्ज आएगा क्या बात है भैया जी जादोन जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था आखिरी क्वेश्चन कमर की पेटिया बांध लीजिएगा आखिरी क्वेश्चन आ रहा है भैया भी जोशो खरोस के साथ में और याद रखिएगा लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद छोटा सा क्विक सेशन होगा किसी खास पर्सनैलिटी के साथ में तो अधिकतर लोगों को जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिएगा क्वेश्चन क्या आ रहा है क्वेश्चन क्या आ रहा है वेन द पर्सन टाक्स क्लाइंट विद मल्टीपल स्क्सिज वाह क्या बात है भैया मेरी फेवरेट मेरी फेवरेट कैटेगरी से मेरी फेवरेट डिक्शनरी से क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो वे द नर्स टाक्स क्लाइंट विद मल्टीपल स्क्स के पेशेंट से बात करती है हु हैज स्लर्ड स्पीच याद रखेगा जिसकी स्लर्ड स्पीच है जो अटक अटक के बोल रहा है जो अटक अटक के बोल रहा है एक पेशेंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो अटक अटक के बोल रहा है विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं करना है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का क्वेश्चन है ऑप्शन ए जवाब दीजिएगा भैया लिख दूं क्या चलिए लिख भी दिया मैंने लिख भी दिया क्या लिख दिया दिखाई नहीं देगा आपको लिख भी दिया ये लीजिए मैंने लिख भी दिया आपके सामने इज से कैटेगरी ऑफ बचीड क्वेश्चन चलिए बताइएगा ऑप्शन ए कह रहा है कि पेशेंट को धीरे धीरे बोलने को कहेंगे ऑप्शन बी कह रहा है कि पेशेंट को कहेंगे कि वो रुक रुक के बोले आराम से हर शब्द को आराम से बोले तीसरा कहेंगे पेशेंट को कहेंगे कि जो चीजें हमें समझ में आ नहीं आ रही है वो रिपीट करे और उसे बोलेंगे कि वो जब टायर्ड हो जाए तो जोर से बोले क्योंकि अगर टायर्ड हो गया तो आवाज पूरी तरह बंद हो जाएगी तो उस आवाज को निकालने के लिए जोर जोर से बोले जवाब दीजिएगा जवाब दीजिएगा क्या बात है उल्टा कर दिया क्वेश्चन सर बजेट बुलाने के लिए नहीं बिल्कुल उल्टा नहीं किया बेटा जी इंडिकेटेड है बिल्कुल सही कहा आपने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर दिया गया है अब जवाब दीजिएगा नॉर्मली इंडिकेटेड पूछते हैं हमने इंडिकेटेड बनाया है जवाब दीजिएगा फटाफट फटाफट भूपेंद्र जी थैंक यू लास्ट ए आया है ए आया है क्या बात है बिल्कुल ए आया है बिल्कुल दो नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि दो नंबर क्वेश्चन वापस ओपन हो सकता है यानी कुछ टेक्निकल एरर्स हैं उसे कल की क्लास में कर देंगे उसे कल की क्लास में कर देंगे नो डाउट चलिएगा फटाफट आगे जवाब दीजिएगा एनकरेज जवाब दीजिएगा वेटिंग फॉर योर आंसर डी 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 ए डी डी भैया राफेल बना दो आखिरी क्वेश्चन है राफेल बना दो हरी अप हरी अप वेटिंग 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 राफेल बना दीजिएगा और शेयर कीजिएगा जरूरी नहीं है कि आप नर्सिंग सेक्टर के बंदों के साथ ही शेयर करें वो शख्सियत जो कुछ बात आपसे करने वाली है जो बातें आपसे करेगी वो जिंदगी में बहुत काम आने वाली है तो आप नॉन नर्सिंग सेक्टर के लोगों को भी कह सकते हैं कि कृपया वो लाइव आए और एक बहुत ही जबरदस्त सेशन देखें क्लियर है इधर देखिएगा अगर किसी पेशेंट को रॉकेट बन गया क्या बात है ओल ओल भैया यूट्यूब ने हाथ जोड़ लिए यूट्यूब ने हाथ जोड़ दिया ओलह कि भैया समझ में नहीं आ रहा आप इमेजिन करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा सर से जा रहे हैं आपके कमेंट्स वेरी गुड़, वेरी गुड़। ओ हो हो। अरे जिया जियो जियो क्या बात है चलिए 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 द राइट आंसर इज डी द राइट आंसर इज डी क्यों है देखिएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है ये है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड का न्यूरॉन ये है ब्रेन और स्पाइनल कोड का न्यूरॉन इसके ऊपर पाई जाती है माइलिन शीत क्या पाई जाती है माइलिन शीत और माइलिन क्या होता है याद रखना की वजह से जो इंपल्स होता है वो फुदक फुदक के साल्टेटरी कंडक्शन हो जाता है माइलिन शीत की वजह से साल्टेटरी कंडक्शन होता है याद रखेगा जो भी इम्पल्सन होता है साल्टेटरी जो भी इंपल्स होता है वो फुदक फुदक के चला जाता है यानी कैसा कंडक्शन होता है रैपिड कंडक्शन होता है इंफॉर्मेशन फटाफट एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है अगर किसी वजह से अगर किसी वजह से माइलिन शीट टूट गई ये लीजिए मैंने माइलिन शीट तोड़ दी अगर माइलिन शीट टूट जाएगी तो क्या होगा सर माइलिन शीट टूट जाएगी तो अब जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो फुदक फुदक के नहीं जाएगी बल्कि उस बेचारे को कंटिन्यूअस चलना पड़ेगा उसमें कंटिन्यूस होगा उसमें कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा और कंटिन्यूस कंडक्शन कैसा होता है बहुत ही स्लो कंडक्शन होता है बहुत धीरे होता है और बहुत धीरे होगा यानी मसल्स क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी जाएगी वीक मस्कुलर वीकनेस शो करता है इसीलिए तो पेशेंट मस्कुलर वीकनेस शो कर रहा है कि सबसे पहले सबसे पहले मल्टीपल होते ही माइलिन माइलिशी टूटी अब जानकारी बहुत धीरे जा रही है बंदा बोलना तो चाह रहा है लेकिन फटाफट नहीं बोल पा रहा अटक अटक बोल रहा है इस पेशेंट में क्या करना है आपको पेशेंट को कहना है कि वो धीरे ही बोले याद रखिएगा जो मसल तो वैसे काम नहीं कर रही ऊपर से आप जोर बोलने को कहोगे तो और थक जाएगा टायर्ड कभी थके आदमी को कभी भी जोर से बोलने को नहीं कहा जाता उसे कहा जाएगा कि धीरे बोलो उसे कहा जाएगा कि रुक रुक के आराम से हर शब्द को प्रंश किया बोलो याद रखिए ये सेशन होने के बाद एक जबरदस्त सेशन और होने वाला है इस ढंग से उसे बोलने को कहा जाता है धीरे धीरे बोले डिस्टिंगली हर वर्ड को दूर कर करके कर बोले और अगर उसे लगता है कि इस अगले आदमी के ये सब समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करे

स्पेशली फिल्म सेक्टर की एक महान शख्सियत है फिल्म सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है खासकर राजस्थान मूवी इंडस्ट्री में तो इनका जबरदस्त नाम है इवन दो उन्होंने हॉलीवुड तक काम किया है हॉलीवुड तक काम किया याद रखेगा और एक जबरदस्त नेक दिल इंसान है याद रखेगा और एक गजब मोटिवेटर हैं, बहुत ही शानदार पर्सनली पर्सनली मुझे मुझे जब भी डिप्रेशन फील होता है, तो मैं तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ देता हूं और आप मानेंगे नहीं कि अगले दस मिनट में आप मौजूद हैं तालियों के साथ स्वागत करें मुझे तालियां नजर आनी चाहिए जहां भी आप मौजूद हैं तालियों के साथ स्वागत करें तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर घनश्याम भैया आइए सर प्लीज थैंक यू थैंक यू वेरी मच सभी दोस्तों को जो दूर बैठे अपने घरों से देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने आनंद के साथ जितने जोश के साथ आप पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा और यही उम्मीद आप सबको होनी चाहिए मैं सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियां चाहता हूं राम कुमार सर के लिए मैं राम कुमार सर के लिए कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आ गए और कारवां बनता गया आप जैसे जितने होनहार जो छात्र हैं जो पढ़ने वाले मेहनत करने वाले लोग हैं ना उनकी वजह से ये काफिला बना है उनकी वजह से एक कारवा बना है और इस कारवा को उसी रूप में बनाते रहे क्योंकि बार बार राम कुंव सर आपको कहते हैं कि आपकी एनर्जी मुझे चाहिए देखिए बहुत एक साधारण सी बात कर रहा हूं जो टीचर आपको दूर बैठ के आपके सिर्फ मैसेज देख के आपको इतने इतनी ताजगी के साथ पढ़ा रहे हैं सोचिए उनमें कितना ज्यादा जोश होगा पढ़ाने के प्रति उनका कितना जुनून होगा राम कुमार सर वो एक शैक्षिक है जो पढ़ाने के प्रति उनको 24 घंटे अगर कहा जाए तो राम कुमार सर 24 घंटे पढ़ा सकते हैं वो ताकत रखते हैं वो नॉलेज रखते हैं और ये नॉलेज एक मिनट दो मिनट एक दिन दो दिन या साल दो साल में नहीं है उनकी एक लंबी सतत मेहनत का नतीजा है कि राम कुमार सर आपको इतने जोश के साथ इतनी ताजगी के साथ पढ़ाते हैं और पढ़ाने वाले कंटेंट को देखिए रामकुमार सर से किसी भी सब्जेक्ट को आप लेकर बातचीत कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर बात कर सकते हैं तो रामकुमार सर का बहुत आभार है कि रामकुमार सर आपको बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं बहुत जोश के साथ पढ़ा रहे हैं आप सब लोग इसी रूप में पढ़ते रहिए देखिए समय थोड़ा सा विकेट है आप सब जानते हैं एक कैसा दौर है जिसमें हम बहुत ज्यादा आसपास के लोगों से मूवमेंट करके मिल नहीं सकते इस चीज को भी आप एक अवसर समझें कि आप अपने घर पर बैठ के पढ़ाई करें कंसंट्रेशन के साथ जनरली हम जब फ्री होते हैं तो कहीं कभी उधर भागते हैं कभी इधर भागते हैं अब भागने के चांस नहीं है बैठ के पढ़ने के चांस ज्यादा हैं आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा समय आप पढ़ाई पे बिताएं आप ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं जिनमें गुरु नर्सिंग अकेडमी है जो दिन में दो बार आपको लाइव क्लास ले रही है इस लाइव क्लास में आपको जितना ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग उतना ज्यादा आप भी पढ़ने की कोशिश करो देखिए चार बजे राम सर टॉपिक वाइज सेशन लेते हैं आपको पहले से पता रहता है कि आज का क्या टॉपिक है तो उस टॉपिक पे भी थोड़ा सा पहले से आप पढ़ के आएंगे तो और ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा और जो कॉन्सेप्ट आपको राम सर करवा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट एज इट इज आपके दिमाग में छप जाएंगे जिस दिन आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे निश्चित रूप से ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी तो चार बजे के सेशन में आप पहले से पढ़ के आइए ताकि आप लोगों को और ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा ऐसे ही आठ बजे वाले सेशन है उसमें भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए राम सर आपको बार बार बता रहे हैं हम लोग 10 से पंद्रह हजार क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं करीब दस हजार के लगभग क्वेश्चन तैयार हो गए उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने रखे जा रहे हैं कुछ बच्चों के कमेंट्स में भी देखता हूं कि सर ये क्वेश्चन कहां से आते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मेहनत है बहुत लंबी प्रक्रिया के साथ इनको पढ़ते हैं आपको विश्वास नहीं होगा एक शब्द बता रहा हूं मैं आपको एक काउंटिंग बता रहा हूं पिछले करीब दो महीने में हम लोगों ने राम सर ने विशेष तौर से एक सौ किताबें उनके पास इकट्ठी की है जिनमें करीब 52 टू किताबें हैं वो तो परचेज करके लाए हैं और रेस्ट ऑफ बुक्स है करीब 95 या 100 के लगभग ऑनलाइन किताबें ली है जिनमें से आपको ये सवाल मिल रहे हैं आपको मालूम है नर्सिंग का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब आपके टीचर इतने शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जामिनर है वो भी इतने ही शानदार तरीके से आपके क्वेश्चन पूछेंगे तो ये सारी एक सौ बयालीस त्यालीस किताबों से निचोड़ के लाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमें हेल्प करेगा और इसी पैटर्न पर गुरु नर्सिंग एकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन इसी चीज को फोकस करके आगे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करवाते रहेंगे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आप डेली दो टाइम आते हो लाइव सेशन में बैठते हो आप क्वेश्चन पूछते हो आपके कोई क्योरीज है वो भी आपकी आराम से ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं आप भी अपने दूसरे दोस्तों को बोलिए कि इस तरह की क्लासेस है जिसमें आप पार्टिसिपेट करें वो दोस्त आपके आपका उनके ऊपर एक एहसान होगा क्योंकि जब चार लोग पढ़ने वाले एक साथ होते हैं ना तो निश्चित रूप से फायदा होता है एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात और मूर्ख से मूर्ख मिले या मुक्का या लात तो हमें मुक्का लात पर नहीं जाना हमें ज्ञान की तरफ जाना है देखिए आप चार पढ़ने वाले स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा होगा और यही आपको आगे अपने जीवन में करना है क्योंकि जितने समझदार और अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे सफलता उतनी ही जल्दी आपको मिलेगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गुरु नर्सिंग एकेडमी का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म है वो निश्चित रूप से बच्चों को हर तरीके से हेल्प करेगा दो दिन से बच्चे करें बी एफ यूएचएस के एग्जाम के लिए देखिए दोस्तों घबराने की कतई जरूरत नहीं है बी एफ यूएचएस के एग्जाम में जितने बच्चे सामने देख रहे हैं और नहीं देख रहे सबको बराबर का टाइम मिला है हाँ आप ये नहीं कह सकते सर एग्जाम आ गया भाई एग्जाम आ गया आप लोग पहले से मेहनत करें और मेहनत करें और आने वाले ही जो चार पांच दिन बचे हैं ना आप तेईस का चार दिन बच्चे देखिए आप बार बार बड़े बुजुर्ग भी कहते रहे कि एक निश्चित टाइम आप स्ल्यूट फिक्स कर लें कि मुझे इस टाइम स्ल्यूट में मुझे ये चीज करनी है आपको मालूम है कौन से सब्जेक्ट की प्रायोरिटी है राम सर ने बताया कि मोस्ट जो प्रायोरिटी रहती है सबसे बड़ा सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है आप उसके क्वेश्चन को देखें उसके बाद में अगर प्रायोरिटी रहती है फंडामेंटल की फंडामेंटल को देखें उसके बाद में कम्युनिटी की रहती है उसको देखें तो ये जो सब्जेक्ट की प्रायोरिटी के हिसाब से आप उन सब्जेक्ट को टाइम दें और उस टाइम में ये देखें कि मुझे आज इतना कोर्स कवर करना है तो उतना कोर्स कवर करिए बाकी चीजों को छोड़ दिए पांच चार पांच दिन का टाइम भी बहुत टाइम होता है क्योंकि लास्ट समय में पढ़ा हुआ बहुत सी चीजें बहुत काम आती है और आप ये टेंशन मत करें कि सर अब तो हमारे पास टाइम नहीं बचा नहीं सबके पास जितने एग्जाम देने वाले बच्चे सबके पास टाइम है आपको हमारी तरफ से एक ही है कि गुरु नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करिए उस ऐप में हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं या क्यूक लाइन कोई क्वेश्चन है कुछ जितनी चीजें हम कर सकते हैं वो चीजें उस ऐप पर मिल जाएगी ऐप का लिंक आपको आ, मैं बार बार इसमें ग्रुप में भी सेंड अदरवाइज़ मेरे नंबर सबके पास है मैं रिपीट कर देता हूं मेरा नंबर है नाइन एट टू एट वन थ्री टू सिक्स टू सेवन दूसरा नंबर है एट सिक्स वन नाइन फोर टू सिक्स सेवन जीरो सेवन इस नंबर पर जस्ट आप पूछ लो कि सर लिंक भेज दो मैं तुरंत प्रभाव से आपका उस ऐप का लिंक भेज दूंगा उस लिंक पे आपको बहुत सी चीजें मिल जाएगी जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प करेगी बी फ्यूचर्स के बच्चों के लिए मैं यही कहता हूं पंजाब रॉयल स्टेट बहुत मजबूत लोग आप बहुत मेहनत करने वाले लोग आप पंजाब की हमेशा हम किताबों में किस्सों में कहानियों में सुनते रहे हैं पंजाब के लोग बहुत मेहनत का सलूक है और आप अपने आप को मजबूत रखिए मजबूती के साथ तैयारी कीजिए आप सफल होंगे जितने बच्चे मेहनत करते हैं वो सफल हो रहे हैं होते रहे हैं मैं आपको पिछले तीन चार एग्जाम का एग्जाम्पल दे सकता हूं गुरु नर्सिंग एकेडमी से पढ़े हुए बी एफ यूएचएस के मेन जो हॉस्पिटल है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ में वहां आपको कितने बच्चे मिलेंगे हर दूसरा बच्चा आपको प, बात करेंगे तो पता चले गुरु नर्सिंग एकेडमी का है तो आप भी हमसे जुड़े हैं हम आपको कुछ हेल्प कर रहे हैं जितना हम दे रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें आपका भी बी एफ यूएचएस में होगा दूसरी पंजाब की एक दूसरी वैकेंसी जो सी एच ओ है उसमें भी आप कहीं पर भी किसी भी पंजाब के किसी हॉस्पिटल में पिछले तीन साल में जो जॉब्स में आए हैं जितने बच्चे आप बात करिए मैक्सिमम बच्चे गुरु नर्सिंग एकेडमी के मिलेंगे वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि टीचर्स ने मेहनत की है बहुत दिल से बहुत ईमानदार से पढ़ाया जैसा आप राम सर पढ़ा रहे आप देख ही रहे हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग भरपूर मेहनत करिए मेहनत का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं होता है आप मेहनत करेंगे सफलता आपको मिलेगी खुशी हमें भी मिलेगी आप बार बार कमेंट्स करें कुछ कमेंट्स में देखने पाया हूं फिर भी हाँ बिल्कुल आ, कुछ चीजें हैं जो आप मेरे से पर्सनल नंबर उन पर भी आप चैट कर सकते हैं बात कर सकते हैं मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे नंबर आपके पास है आप कभी भी मेरे से कोई भी क्योरीज हो मेरे पे कॉल करो किसी भी तरीके की हेल्प होगी मैं करूंगा मेरे को अगर रात को दो बजे कोई बच्चा फोन करता है मैं फोन पिक कर लेता हूं तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर क्या सोचते हैं मैं आपके लिए ही बैठा हूं ज्यादा दिमाग मत लगाना जब भी कॉल करने की कॉल करें आप बाई दे अगर मैं रिसीव नहीं कर पाऊं किसी कांड से सपोज मैं ना रहा हूं तो नहीं करूंगा खा रहा हूं तो नहीं उठा पाऊंगा तो मैं दोबारा कॉल बैक कर लूंगा पर आपकी जितनी भी हेल्प हम कर सकते हैं दिल से कह रहा हूं आपके लिए हैं आपके लिए रहेंगे सदा गुरु नर्सिंग एकेडमी का ये ध्या है कि जो बच्चा हमसे जुड़ा है हमेशा उसका भला चाहते हैं उसकी सफलता में ही अपनी सफलता देखते हैं और लास्ट बट नोट लिस्ट बातचीत होती रहेगी मैं एक बात कहना चाहता हूं आप डरिए मत कोई भी परीक्षा हो मुकाबला करिए डरने वाले भागते हैं मुकाबला करने वाले जीतते हैं आगे नोट सेट आएगा हम लगातार इस प्रक्रिया में जुड़े कि आपको ज्यादा से ज्यादा कैसे नॉलेज दिया जा सकता है आपके लिए एक दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि हम नेक्स्ट संडे से एक क्यू सेशन शुरू करने का प्लान कर रहे हैं आपको और सर करते रहेंगे नेक्स्ट संडे से रेगुलर संडे टू संडे क्यू सेशन होगा जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा और इस तरीके का आनंद आपको फील होगा कि हां अब पढ़ के और ज्यादा मजा आ रहा है तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए डरना नहीं है पढ़ना है आगे बढ़ना है एक भगत सिंह की एक छोटा सा संवाद मुझे बहुत दिल से अच्छा लगता है आपके लिए कहना चाहता हूं भगत सिंह का एक संवाद था उन्होंने जब उनको असेंबली में बम फोड़ने जा रहे थे उनके साथ कुछ और भी लोग थे वो डर गए थे भगत सिंह नहीं डरे थे और उन साथियों ने कहा कि पकड़े जाएंगे मारे जाएंगे तो भगत सिंह ने कहा था आजादी के दीवानों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता जरूरत होती है बुलंद हौसले और पाक इरादों की और हमारे हौसले तो इतने बुलंद है कि हम फौलाद को भी पिघला देंगे ऐसे बुलंद हौसले वाले हो आप लोग आप फौलाद को पिघला सकते हो और ऐसे ही फौलादी इरादे वाले आपके राम सर आपके सामने हैं डटे रहिए है मजबूती के साथ मेहनत करिए हम आपके साथ हैं आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है कभी भी कोई समस्या हो मैं पुनः कह रहा हूं किसी भी प्रकार की आप कॉल करें मैसेज करें आपको रिप्लाई मिलेगा प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे आपने आज जो मुझे टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच गुड नाईट सबा